इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे तो पूरे मुल्क का निज़ाम ही दरहम बरहम हो गया जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पर आई है। भले ये बात अंधभक्तों को बुरी लगे, पर यह सच्चाई है कि देश डूब रहा है। भले मईशत हो या महंगाई, बेरोजगारी, बंद कारखाने, भुखमरी और भी कई संगीन मुश्किलें हैं। शायद पहली मरतबा इतना सख्त हालात से ये मुल्क गुजर रहा है। इख्तदार पर बैठे हुक्मरानों ने देश को ही बीमार कर दिया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर ही सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि फैसले किसी सियासी पार्टी के सोच फिक्र से मुतासिर होते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो पूरा दिन टीवी चैनलों पर और भाजपा आईटी सेल के कारकुनान किसी खबर को बतौर प्रोपोगंडा साजिश के तहत कैसे फैलाया जाए और कैसे जहनों को बज़म या जहर आलूद किया जाए बखूबी जानते हैं। लिहाजा किसी तरह महाराष्ट्र सरकार को कंगना रनौत के जरिए घेरने की कोशिश मरकजी हुकूमत कर रही है। और सुशांत सिंह मामले को कैसे देश की असल मुश्किल बताया गया, आप कंगना रनौत की हिमायत में पूरा मोदी ब्रिगेड उतरा हुआ है, जैसे पूरे मुल्क की इज्जत ही दांव पर लगी हुई है। जब से महाराष्ट्र में भाजपा हुकूमत को गिराकर शिवसेना ने हुकूमत बनाई और भाजपा को इख्तदार से दूर रखा, तब से भाजपा तिल मिलाई हुई है, मौजूदा महाराष्ट्र हुकूमत को घेरने की फिराक में है। और इसी के मद्देनजर मराठियों के आरक्षण को रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया जाता है। ऐसा कई इल्मी दानिशों का कहना है कि क्या अब यह जरूरत थी, और यह फैसला सियासी मुफाद से मुतासिर है। इस फैसलों पर दूसरी तरफ कई रिटायर्ड जजों का कहना है कि भारत की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट किसी सियासी पार्टी के दबाव में आकर फैसले ले रहा है। जिस तरह पूरे मुल्क को मोदी हुकूमत ने जहनी, जिस्मानी, सामाजिक तौर पर बीमार कर दिया, इसका इलाज भी कहीं नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे लाइन के आसपास बने 48,000 झुग्गियों को हटाने का फैसला लिया है। फिर वही सवाल उठता है कि क्या अब यह फैसला जरूरी है। इन 48,000 झुग्गियों को हटाकर उन लाखों लोगों को सरकार कहां रखेगी। वैसे भी उन लोगों को, इन गरीबों के पीछे खड़े होने की जरूरत है जो आज सुबह शाम कंगना रनौत की हिमायत में सब कुछ झोंक रहे हैं। सवाल पूछना होगा कि इन 48,000 परिवार के लाखों लोगों का क्या होगा। क्या वाकई इन गरीबों की जिंदगी कुछ मायने रखती है या नहीं। जब तुम सुबह शाम सुशांत सिंह, कंगना रनौत का राग अलापते रहते हो, पूरे मुल्क के तमाम महकमाओं को निजीकरण के जरिए बेच दिया जा रहा हो, संघी लीडरान की जानिब से कई मरतबा सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करते देखा गया, और खासकर मुस्लिम मुखालिफ जहर घोलने का आदि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने खुलेआम बयानों में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू विरोधी है। लिहाजा अब जब इनकी हुकूमत आई है तो इन्होंने अपने मुआफिक फैसलों का दौर शुरू किया हुआ है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर फैसला भी इसी की एक कड़ी कह सकते हैं। भारत के कुछ सेक्युलर हिंदुओं ने भी इस फैसले की मुखालफत करते हुए कहा है कि फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है। लिहाजा रंजन गोगोई ने जब फैसला राम मंदिर के हक में दिया तो इसका मुआवजा भी इन्हें दे दिया गया। तारीख में पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट जज ने राज्यसभा मेंबर के तौर पर हुकूमत की जानिब से नामजद किया गया। कुल मिलाकर अगर यह कहा जाए कि अब इंसाफ भी सियासी पार्टियों के चौखट पर सलाम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की रियासत में तो सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाया गया है। इसकी वजह यह है कि गोकशी का इल्जाम लगाकर रासुका लगाया गया। कईयों ने बताया कि इनके घरों के सामने गोमांस फेंक कर पुलिस बुलाई जाती है और घरों के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अब ये मजलूम किस अदालत का दरवाजा खटखट। एक हाथ कफील खान की रिहाई पर हम खुश होते हैं, पर कई सैकड़ों कफील आज भी जेलों में बंद हैं। गरीब मजबूर लोग रासुका जैसे कानून के तहत जेलों में बंद हैं। गोकशी का इल्जाम लगाकर मुसलमानों को तो आसानी से बंद किया जाता है, पर वही पहलू खान, जुनैद और न जाने कितने लोगों को खुलेआम सड़कों पर मॉब लिंचिंग के जरिए कत्ल किया जाता है तो इन्हें फौरन जमानत भी मिल जाती है। कहां है अब कानून। अब मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। सारे शहर ने पहन रखे है दस्ताने। आमिर कसलबाश का ये शेर भी बहुत कुछ बयान करता है। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा ही कसूर निकलेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।